नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, भूलकर भी पति पत्नी एक साथ न करें यह काम। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तु में भोजन करने के कुछ नियम होते हैं, यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए तो जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। ऐसी ही एक बड़ी गलती पति पत्नी के एक थाली में भोजन करने की है। मॉडर्न युग में पति पत्नी एक साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं। आपसी प्यार को बढ़ाने की नजर से देखें तो यह बात सही लग सकती है, लेकिन धर्मशास्त्रों और व्यवहारिक दृष्टि के लिहाज से इसे सही नहीं माना गया है। ऐसा करने से परिवार में झगड़े विवाद बढ़ सकते हैं। महाभारत में भी भोजन और भोजन की थाली को लेकर भीष्म पितामह ने कुछ जरूरी बातें बताई हैं। इसमें पति पत्नी के एक साथ भोजन करने की बात भी शामिल है। महाभारत में भीष्म पितामह ने दिया था ज्ञान। भीष्म पितामह जब बाणों की शया पर थे तब उन्होंने सफल, सुखद और धर्मपरायण जीवन जीने को लेकर पांडवों को कई अहम बातें बताई थीं। इसमें भोजन से जुड़ी बातें भी शामिल है। इसके मुताबिक पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने से मना किया गया है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी ऐसा करने से मना करते हैं, इसलिए पति पत्नी को अलग अलग थाली में ही भोजन करना चाहिए। क्या कारण होता है कलह बढ़ने का? इसके पीछे कारण यह है कि एक थाली में भोजन करने से पति का पत्नी के लिए प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वह अपनी बाकी जिम्मेदारियां और दायित्व भूल जाता है। उसके जीवन में पत्नी का स्थान ही सर्वोपरि हो जाता है और वो बाकी रिश्तों को महत्व देना भूल जाता है। ऐसे में वह सही गलत की पहचान भी खो देता है और यह स्थिति उसे पारिवारिक विवाद नुकसान में डाल सकती है। भोजन करने को लेकर भीष्म पितामह ने बताई ये बातें। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें किसी का पैर लग गया हो या उस भोजन को कोई लांघ गया हो। ऐसा भोजन कीचड़ के समान अशुद्ध है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि भोजन में बाल या ऐसी ही कोई अशुद्ध चीज निकल जाए तो उस भोजन को भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा अशुद्ध भोजन व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। एक साथ बैठकर भोजन करे परिवार। धर्मशास्त्रों से लेकर वास्तुशास्त्र में भी पूरे परिवार के एक साथ बैठकर भोजन करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सभी को खुश रहकर भगवान का धन्यवाद करते हुए भोजन करना चाहिए और नकारात्मक बातें करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में प्रेम सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।